नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एक बार फिर से आप सभी का क्रिएटिव करियर में स्वागत करता हूं। और हम बात करने वाले इसमें हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कंप्लीट बात करेंगे। आपको बताइए, सरकार ने एक तीर से दो निशाने साथ दिए हैं, उनको हम समझेंगे। यहां पर क्या इनका चुनावी दांव पेच है उसको भी हम समझेंगे। उसके पहले चैनल पर जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि सारी जानकारी आपको यहाँ मिलती रहे। और दूसरी बात, यहाँ पर क्लास भी चल रही है, और क्लास भी करते रहिए, बहुत कुछ सीखते भी रहेंगे। तो समझ लेते हैं यहाँ पर क्या इनका मुद्दा है, क्या मैटर इनका बुरा है, इसमें क्या नए फार्म भरेंगे। यानी कि बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर आ रहे थे आपके कि क्या नए लोग इसमें फार्म भर पाएंगे। तो क्योंकि वैकेंसी जो आपकी आई है जरूर पुरानी है, आपको पता होगा 1,37,000 जो आपके पद आए थे पहले, मतलब कितने भरने की बात हुई थी, 1,37,000 पद की, 1,37,000 की। इसमें इन्होंने क्या किया, दो बार में इसको भरा है। एक बार पहले निकाला था इन्होंने 68,500, और दोबारा में निकाला था इन्होंने 69,000। लेकिन आपको बताइए, सुपरनेट का सिलेबस कितना तगड़ा बना कर रखा है, तो उसमें क्या हुआ था, कुछ लोग पास ही नहीं कर पाए थे, यानी कि पूरे पद ये नहीं भर पाए थे। यही पद जो खाली रह गए थे 68,500 में और 69 वाले में, इन दोनों के जो मिला के पूरे पद बन रहे हैं वो करीब 17,000 पद बन रहे हैं। यही क्या हुआ है कि यही पद वो निकाल देंगे, यानी कि नई भर्ती ये नहीं है, वही जो पुरानी भर्ती थी 1,37 जो भरने थे पद इनको, वही पद ये क्या कर रहे हैं, पूरे भर रहे हैं। यानी कि कहने का भी हो जाएगा कि पद हमने भर दिए हैं। और दूसरी बात क्या है, नया वाला निकालना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपको पता है वैकेंसी बड़ी है, 97,000 बहुत बड़ी संख्या होती है। तो इन्होंने क्या किया, उसको बचाने के लिए इससे काम चला दिया, 17,000 से इसकी बात कर दी, 17,000 हम निकाल देंगे। और इसमें क्या है, नए फार्म तो पड़ेंगे, सारे लोग अप्लाई कर पाएंगे, जिनके पास TT वगैरह होगा तो अप्लाई कर ही पाएंगे। लेकिन अब जिनका भी नए लोग होंगे तो उनका जिनका TT अभी आगे होना है तो वो तो इसमें नहीं आ पाएंगे, क्योंकि TT आपकी बाद में होगी। और ये आपका जो है अभी बिल्कुल जैसे कि आपका ये आचार संहिता लगने के जस्ट पहले ही पहले आपका ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी कि फॉर्म पढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये तो होगा मैटर ये, और इसका आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, यानी कि हम लोग को क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट आपके जो है लखनऊ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बराबर जो है ऑफलाइन में लगे हुए हैं, ऑफलाइन प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑनलाइन एक ट्विटर कंपेन करेंगे, उसके माध्यम से चीज़ें बदलेंगे। क्योंकि आपको पता है सरकार पर दबाव बनेगा तो कहीं ना कहीं चीज़ें बदल के यहाँ पर आएंगी, क्योंकि आपको नई वैकेंसी तो निकाल नहीं रहे, तो पुरानी हो गई, ये पुराने ही पद हैं, कुछ नया नहीं इसमें है। पुराने जो नहीं बच गए थे भरे हुए, तो नहीं भर पाए थे पूरे, वही ये भरने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्विटर कंपेन करेंगे, बाकी अपनी राय आप लोग कमेंट पे करेंगे यहाँ पर कि क्या होना चाहिए, क्या इतने सही संतुष्टि मिल जानी चाहिए, बाकी या फिर क्या पूरे पद भरवाने चाहिए। देखो, अगर ये अभी नहीं हुआ तो फिर ये टिक जाएगा, फिर ये हो भी नहीं पाएगी 97,000, ये 17,000 से काम चला देंगे, और फिर कहीं चुनाव वगैरह हो गए तो फिर तो चीज़ें बहुत बदल जाएंगी। इसलिए सभी लोग ट्विटर कंपेन हम लोग करेंगे, उसका डेट हम डिसाइड करेंगे क्या डेट रहेगा। तो सारे लोग हम मिलकर ही सब लोग करेंगे, क्योंकि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सारे लोग मिलकर ही इस पर काम करेंगे। अपनी अपनी राय कमेंट पर डालिएगा, क्या इसका होना चाहिए प्रोसेस, और बाकी कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट पर डालिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि स्टूडियो की सारी जानकारी आपको मिलती रहे यहाँ पर। बाकी जो भी क्लासेस चल रही है आप क्लासेस करते रहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।